नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी लेखपाल का जो प्रश्न पत्र है वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे सारे प्रश्नों को हिंदी के। तो भाग ए में जो आपका 20 नंबर की हिंदी रहेगी, ये आपका सेक्शन सी का प्रश्न पत्र रहने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन सी का ये प्रश्न पत्र आपका रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला प्रश्न आपका महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो इसमें सीधे हम प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। जो ए का राइट आंसर रहेगा वो आपका महाधन ऋषि, ठीक है। तो ए बी जो है इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर रहने वाला है। दूसरा प्रश्न है जो इसकी इसमें पता करना है, कौन सा वाक्य रूप है, ठीक है। तो सूर्योदय का जो है वाक्य रूप इसमें पता करना है, जो कि आपका रहने वाला है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पता करना है, अलंकार, ठीक है। तो कौन सा अलंकार आता है, तो इसमें जो है आपका डी यमक अलंकार जो है इसमें आपका आएगा। चौथा प्रश्न है पर्यायवाची पता करनी है, जो कि तीर शब्द की पर्यायवाची रहेगी, जिसका सही उत्तर रहेगा सर। पांचवा प्रश्न है बाबर शब्द का विलोम शब्द है, तो बाबर शब्द का जो विलोम शब्द है आपका संभव है, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। छठा प्रश्न है संधि विच्छेद इसमें पता करनी है, तो छठे का जो सही उत्तर आपका रहने वाला है वो आपका सी रहेगा। सातवां प्रश्न है अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपका प्रसन्नता होना। आठवां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखी होगी, लेकिन जो आपका समाचार पत्र है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता। नौवां प्रश्न है कठिनाई शब्द में जो आपको प्रत्यय पता करना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आप देख सकते हैं सी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। दसवां प्रश्न आप देख सकते हैं कीर्ति का जो है इसमें आपको शब्द कौन सा है, तो इसका जो कीर्ति का जो सही उत्तर आपका रहने वाला है, तो ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो शुद्ध शब्द का जो है इसमें चयन करना है। 11वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो सी अनुकूल जो है इसका सही उत्तर रहेगा। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आप लोगों को जो है इसमें देखना होगा, ठीक है। तो इसमें साप्ताहिक जो है इसका सही उत्तर रहेगा। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें जो है मतलब जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कहा गया है कि किसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो है ये स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग रहने वाला है टिप्पणी प्रस्ताव निवेदिक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर है ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 14वां प्रश्न है अल्प विराम का जो उपयोग है किस खंड में किया जाता है, ठीक है। अल्प विराम जो है आपका किस तरीके से किया जाता है, तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 15वां प्रश्न है आपका जो अनाजी शब्द का विलोम शब्द है, अनाजी का उल्टा रहेगा आपका फलाहारी, ठीक है। फलाहारी जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। 16वां प्रश्न आपको देखिए, ये आपको पंक्तियों की जो है रचनाकार कौन थे, तो इनकी जो पंक्तियाँ थी आप लोग पढ़ लीजिए, इसका जो सही उत्तर आपका बी रहने वाला है, ठीक है। सूर्यकांत जो है आपके त्रिपाठी रहेंगे, निराला, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 17वां प्रश्न है आपका, इसमें आपको जो है रचना के रचयिता का मतलब इसमें पता करना है, तो इसका 17वें का जो है आप लोग प्रश्न देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा आपका सूरदास रहेगा। साहित्य लहरी जो आपकी रचना है उसके जो रचयिता थे वो आपके सूरदास रहे थे। 18वां प्रश्न है, तो इसमें जो है आपका सही अर्थ जो है इसका बताना होगा, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, इसका सही जो आपका रहेगा अर्थ, किसी को जो है आपको दूसरों को सीख देना सरल होता है, मतलब दूसरों को सिखाना सरल होता है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, बी इसका सही आंसर रहेगा। 19वां, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, ठीक है। तो उसमें जो है सर्वनाम आपको पता करना है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, निश्चय का मतलब होगा आपका निश्चयवाचक, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी का, जिसमें कि पूछा गया है कि जिस शब्द से किसी या एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा में कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आपको व्यक्ति पूछा गया है, तो सीधे सीधे आपको सी इसका सही उत्तर रहेगा, व्यक्ति वाचक। तो हिंदी के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सभी प्रश्न जो है सही रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहने वाला है, जिसमें कि हमारा क्या आएगा, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड
हो जाएगी। तो पेपर काफ़ी इजी आया था, ज़्यादा टफ ये पेपर नहीं था। इसके बाद हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ किस तरीके से रहने वाली और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।